नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान। आपका स्वागत है हमारे शो आपका लक मीटर में। आपको आज हनुमान जयंती के मौके पे क्या खास उपाय करने हैं मैं बताऊंगी। सक्सेस के लिए आपको क्या वास्तु टिप्स फॉलो करनी है मैं आपको ये भी बताऊंगी। अपने दिन को लकी और हैप्पी बनाने के लिए आपको क्या छोटी छोटी टिप्स करनी है मैं ये भी बताऊंगी। और आज हनुमान जयंती के खास दिन आपको कैसे पूजा करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, अपने ऊपर ब्लेसिंग्स और ग्रेस के लिए ये भी बताऊंगी। तो बहुत सारी चीजें आपके पास जानने के लिए आप सोशल मीडिया पे जाके एपिसोड बार बार देख सकते हैं। नव भारत पर या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पर आप जाके शो देख सकते हैं, ताकि जो चीज़ मिस हुई उसको आप देखें और जो चीज़ अच्छी लगी उसको शेयर करें। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप मधुर रहेंगे। अपना कोई भी घर बार का जो लोग है उससे सलाह लेकर काम करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। नौकरी पेशा लोग कोशिश कर सकते हैं आज जॉब चेंज के लिए। बिजनेस रिलेटेड कामों में आज आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। लकी कलर फॉर यू इज मिंट, लकी नंबर इज 2, लक साथ दे रहा है 79%। वृषभ राशि के लोग, नौकरी पेशा लोगों के आज काम में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कोई इंपॉर्टेंट काम रुक भी सकता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी का आपके प्रति एक पॉजिटिव रवैया रहेगा जो आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथ देगा और बाकी थोड़ा सा तनाव भी परेशान कर सकता है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 9, लक साथ दे रहा है 50%। मिथुन राशि के लोग, किसी भी चीज को, प्रोग्रेस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आपके रुके हुए काम आज प्रोग्रेस होंगे, कहीं से रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। किसी भी चीज में फिजूल खर्ची से आज आप बचें। बिजनेस में लेकर काफी समय आज आप किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में लगाएंगे। अपनी फैमिली में अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करें। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ वाइट, लकी नंबर इज नंबर 2, लक साथ दे रहा है 66%। आइए अब हम कर्क राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आज कर्क राशि वालों का कोई सपना पूरा हो सकता है। जो यूथ है उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल परेशानी होने पर किसी अच्छे एक्सपीरियंस आदमी से सलाह लें, इससे आपका अच्छा रास्ता जो है वो खुलेगा। आपको अपने कामों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लकी कलर फॉर यू इज बेज, लकी नंबर इज नंबर 8, लक साथ दे रहा है 75%। सिंह राशि के लोग, आज आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मुलाकात होगी। आपके अंदर जोश और ऊर्जा का संचार होगा। घर में कोई रेनोवेशन की सिचुएशन आ सकती है। आर्थिक रूप से ही अच्छा रहेगा। इस समय अपने बिजनेस के वर्क स्टाइल में चैलेंज थोड़े से आप झेल सकते हैं। बिजनेस में छोटी सी बात पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। लकी कलर फॉर यू इज क्ले कलर, लकी नंबर इज 4, लक साथ दे रहा है 69%। आज कन्या राशि वालों का सक्सेस जो है, सम्मान जो है, परिवार में मेहमानों के सामने मान सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए काम, किसी काम को पूरा करने में बड़ों की डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। फैमिली के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो बेटर होंगे। इस समय इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम कुछ रुक सकता है। लकी कलर फॉर यू इज रूबी, लकी नंबर इज 7, लक साथ दे रहा है 73%। तुला राशि वाले लोगों को फाइनेंस को लेकर किसी चीज को दिक्कत हो सकती है। गुस्से पे कंट्रोल रखिए, मूड आज खराब रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, इरिटेटेड रहेंगे। इस समय ऑफिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेन देन में रुपए पैसे के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है, जस्ट बी केयरफुल टुडे। लकी कलर इंडिगो, लकी नंबर 6, लक साथ दे रहा है 57%। वृश्चिक राशि के लोग, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए की गई यात्रा सफल रहेगी। अपने सपने और अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये समय बनाए रखें, लेकिन इस समय किसी पर ज़्यादा भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर विश्वास ना करें और पैसे खर्च करने के मामले में बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। लकी कलर फॉर यू इज रस्ट, लकी नंबर इज नंबर 5, लक साथ दे रहा है 75%। धनु राशि के लोग, आज कुछ रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। ये समय आपका एंजॉय करने का है। आप किसी भी सिचुएशन में
बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, फाइनेंस के मामले में फैसले फायदेमंद रहेंगे। इस समय प्राइवेट जॉब में जो लोग हैं वो इरिटेट होकर कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा, काम पे फोकस दीजिएगा। लकी कलर फॉर यू स्पीच, लकी नंबर इज 2, लक साथ दे रहा है 81%। मकर राशि वालों को कोई अच्छी कोई यूजफुल ट्रैवल करने में फायदा हो सकता है, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने पर सफलता मिल सकती है। आज ज्यादा फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने की बजाय बांटने की कोशिश करें, क्योंकि खर्चे की जो सिचुएशन है वो जाने की बनी हुई है। लकी कलर फॉर यू इज व्हाट आई एम वेयरिंग, येलो, लकी नंबर इज 1, लक साथ दे रहा है 85%। कुंभ राशि वाले लोगों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मन मुताबिक रिजल्ट मिलेंगे, पुराने फ्रेंड से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। कुछ समय से चल रही प्रॉब्लम का निवारण होने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ट्रांसफर की इच्छा रखते हैं तो उसकी भूमिका बनाने आज से ही शुरू करें। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6, लक आपका साथ दे रहा है 57%। आइए अब मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों को आज छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। आज का दिन बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और हल निकालने का है, इससे इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। अपने लक्ष्य अपने गोल के प्रति आपको पूरी तरह से अवेयर रहने की जरूरत है, सफलता जरूर मिलेगी। फाइनेंस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में आज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लकी कलर फॉर यू टुडे इज कोरल, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 11, लक आपका साथ दे रहा है 80%। क्या आपको हमेशा अनहोनी का डर सताता है? तो आज हनुमान जयंती पर आप बाद पूरा साल इस काम को कर सकते हैं, ट्यूजडे को अपने खून को डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें, इससे आप अनहोनी दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। वैसे भी ब्लड डोनेशन किया करें, किसी की भी जान बचाएंगे तो भगवान हमेशा आपकी जान बचाएंगे। इट इज अ गुड थिंग टू बैलेंस योर मार्स ऑल्सो। क्या आपके साथ हमेशा कुछ शुभ नहीं होता, तो ऐसे में आप क्या करें? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का एक माला का जाप करें और हनुमान जयंती यानी कि आज से शुरू करें, आपकी जिंदगी में शुभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है, तो 5 देसी घी की रोटी का भोग हनुमान जयंती पर लगाएं, किसी जरूरतमंद को दें, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है, तो बिजनेस में ग्रोथ के लिए हनुमान जयंती को आप सिंदूरी कलर का लंगोट हनुमान जी को अर्पित कीजिए, आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। अगर कोई भी कहीं से भी चलती हुई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बचना होगा, क्या करना है जानिए। आज हनुमान जयंती पे मंदिर की छत पर जाइए, लाल झंडा लगाइए, आने वाले संकटों से बचाव होगा। हनुमान जयंती के मौके पर आपको राशि के मुताबिक उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी राशि के मुताबिक उपाय आप करते हैं तो हनुमान जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे, आपको कौन से उपाय करने हैं वो जानिए। मेष राशि के लोग रामचरितमानस में अयोध्या कांड का पाठ करें, हनुमान जी पे शहद चढ़ाकर खुद प्रसाद के रूप में खाएं। वृश्चिक राशि वाले लोग रामचरितमानस में उत्तर कांड का पाठ करें, हनुमान जी पर मीठी रोटी चढ़ाकर आप बफलोस को खिलाएं। मिथुन राशि वाले लोग रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, घी के 6 शुद्ध दीपक जलाएं। कर्क राशि वाले लोग पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, हनुमान जी पर येलो फ्लावर चढ़ाकर आप पेड़ के नीचे रखें। सिंह राशि वाले लोग रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें, हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ाकर गरीबों को खिलाएं। कन्या राशि वाले लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड का पाठ करें, हनुमान जी पर पान चढ़ाकर आप किसी गरीब को दीजिए। तुला राशि वाले लोग रामचरितमानस में बालकांड का पाठ करें, हनुमान जी पर खीर चढ़ाकर गरीबों में बांटें। वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें, आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करें और हनुमान जी पर गुड़ वाले चावल चढ़ाकर गाय को खिलाएं। धनु राशि वाले लोग एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी पर बूंदी चढ़ाकर आप गरीब बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को क्या करना है जानिए। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड का पाठ करें, हनुमान जी पर मसूर की दाल चढ़ाएं और आज मछलियों को भी खाना खिलाएं।
कुंभ राशि वाले लोग रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी पर मीठी रोटी चढ़ाकर बंदरों को खिलाएं। मीन राशि वाले लोगों को हनुमंत बाहुक का पाठ करना है और हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का ध्वजा या पताका जड़ाना है। वैसे तो आपको हर रोज या हर मंगलवार हनुमान जी का नाम लेना ही चाहिए, लेकिन आज तो जरूर लेना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन अगर आपको मालामाल बनना है तो बजरंग बली और लक्ष्मी जी को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। आपको 10 अचूक उपाय बता रही हूँ, उन्हें कीजिए और फर्क देखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सबसे सरल उपाय है बजरंग बली को प्रसन्न करने का। हर रोज या ट्यूसडे या सैटरडे को चालीसा का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। सिंदूर बजरंग बली को बहुत प्रिय है और भक्तों ने सिंदूर अर्पित करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर मंगलवार या सैटरडे बजरंग बली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए। बनारसी पत्ते का बना हुआ पान चढ़ाने से भी हनुमान जी की कृपा होती है, बेसिकली आपके प्लैनेट्स रेक्टिफाई होते हैं। नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए। गेंदे के फूल से बना हार अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी का फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं। ऐसा फोटो लगाएं जिसमें हनुमान जी साउथ की तरफ देखते हुए हों, ताकि नेगेटिविटी दूर हो। हर रोज रात के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे जल्दी इंसान का बुरे समय बदल जाता है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। किसी भी खास मुहूर्त में या त्योहार पर, किसी खास तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा से करना चाहिए। जो भी भक्त रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे डेली पढ़ते हैं, उन्हें हनुमान जी की खास कृपा मिलती है। श्री राम के मंत्रों का जाप करने वाले भक्त पर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। वैसे तो हनुमान जी का नाम ही चमत्कारी है, लेकिन हनुमान जयंती पावन दिन में आपको राम भक्त के 12 नाम बताने जा रही हूँ। आपको ये नाम जपने हैं। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्धिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पह। हनुमान जयंती के दिन आपको कुछ और चीजें भी बता रही हूँ। बजरंग बली हर डर को भगाने वाले हैं, चिंता और कष्टों को मिटाने वाले भगवान हैं। जब भी डर लगता है तो सबसे पहले भक्त बजरंग बली का नाम लेना शुरू करते हैं। तो आज आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि संकट मोचन के कई मंत्र बताने जा रही हूँ। डर या नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना है तो हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए। आप इनको लिख कर दीवार पर भी चिपका सकते हैं। आराम से बोलूंगी ताकि आप एक एक शब्द नोट कर सकें, लिख सकें। मंत्र है, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखाय हनुमते कराल बंदनाय नरसिंहाय ओम, ओम ह्राम तीम हूम हौम हम सकल सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगर बसे राम सर चाप घर। दुश्मन अगर बहुत परेशान कर रहे हैं तो मंत्र नोट कीजिए। ओम पूर्व कपि मुखाय पचमुख हनुमंत टन 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 सकल सकल शत्रु सहारणाय स्वाहा। आपकी रक्षा करने वाला, आपको संकटों से बचाने वाला कौन सा मंत्र है ये जानिए। अजना गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। अगर आपका कोई काम लंबे समय से फंसा हुआ है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका सिर्फ 11 बार ही जाप कर लीजिए। अगर आप सच्चे होंगे तभी फायदा होगा। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पैसे की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आप किस खास मंत्र का जाप कर सकते हैं, चलिए अब ये जानने का वक्त आ गया है। बहुत ही आराम से मंत्र बोल रही हूँ ताकि आप नोट कर सके। मर्कटेश महोत्सव सर्व शोक विनाशन शत्रुन सहार माँ रक्षा श्रियम दापय में प्रभो। किसी भी काम में सिद्धि के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हनुमते नमः। सभी तरीके की बीमारी पीड़ा मुक्ति पाने के लिए जो मंत्र बताने जा रही हूँ वो कीजिए। डॉक्टर को दिखाते रहें, साथ में मंत्र का जाप करें। हनुमान अंगद रन गाजे हाके सुनकृत रजनी चर भाजे
नासे रोग हरे सपीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला मंत्र नोट कीजिए, सुमरी पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। हनुमान जयंती के दिन आपको हनुमान जी के जन्म की कथा सुना देती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि हनुमान जी के जन्म की तिथि को लेकर दो मान्यता है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को जन्मे हनुमान जी माता अंजनी से हनुमान जी पैदा हुए। उन्हें बड़े जोर की भूख लगी हुई थी, इसीलिए एक बार आकाश में उछले और सूर्य को फल समझकर खाने की ओर दौड़े। उस दिन राहु भी सूर्य को अपना मतलब ग्रस्त करने के लिए आए हुए थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर उन्हें इसे दूसरा राहु समझ लिया। तभी इंद्र ने पवन पुत्र पर व्रज से प्रहार किया जिससे उन्हें चोट लग गई। तो इस तिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी कथा ये भी है कि माता सीता से हनुमान जी को मिले अमृता के वरदान से जुड़ी है। हाँ, यूं एक बार हुआ कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी को ये देखकर सोचा कि सीता माता ऐसा क्यों कर रही। उन्होंने अपनी शंका को रोक नहीं पाए और माता से पूछ ही लिया कि भाई आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो माता सीता ने कहा कि इससे मेरे जो स्वामी हैं श्री राम, इनकी उम्र लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो राम भक्त हनुमान ने सोचा जब माता सीता चुटकी पर सिंदूर लगाकर प्रभु श्री राम का सौभाग्य और उम्र बढ़ा सकती है, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद माता सीता ने उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर महावीर हनुमान को अमर रहने का वरदान दिया। इसीलिए इस दिन को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए बजरंग बली को जब सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। वास्तु शास्त्र में ऑफिस बिजनेस दुकान सबके लिए वास्तु के नियमों के बारे में बताया गया। वास्तु अनुसार ऑफिस दुकान सब जगह हेल्थ बेटर करने के लिए, इनकम की ग्रोथ करने के लिए, काम में सफलता के लिए अलग अलग चीजें बताई गई। किस स्थान पर क्या दोष होता है, उसका क्या असर पड़ता है आपकी सेहत पे, जॉब पे, करियर पे, रिलेशनशिप पे, ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। आप अपने ऑफिस दुकान या फैक्ट्री में सफेद या क्रीम कलर का यूज करें। इन कलर से पॉजिटिविटी जो है ये इजीली रोटेट होती है, तरक्की में मदद करते हैं कलर्स। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में नॉर्थ दिशा में कुबेर की दिशा को माना गया है। इसीलिए अपना कैश काउंटर या तिजोरी नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखें, इससे धन लाभ बढ़ता है। दुकान या ऑफिस के दरवाजे अंदर की ओर खुलने वाले होने चाहिए। साथ ही खिड़की, दरवाजे, अलमारी, सभी चीजें सही हालत में हों, टूटी हुई ना हो। खराब है तो उसका मरम्मत कराएं। ऑफिस में जो भी मीटिंग है उसमें एक रेक्टेंगुलर टेबल यूज करें। दुकान आदि में भी ऐसा टेबल उपयोग में ला सकते हैं। बिजनेस में तरक्की के लिए अपने टेबल पर श्री यंत्र, व्यापार से वृद्धि यंत्र, क्रिस्टल वाला टॉर्टोइस, क्रिस्टल बॉल, हाथी रख सकते हैं। ये शुभता के प्रतीक हैं, इससे तरक्की आती है। बिजनेस में तरक्की के लिए अपने काम की जगह पे पांचजन्य शंख को स्थापित करें और नियमित से विधि विधान से पूजा करें, आपको फायदा होगा। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई मानते हैं क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। शंख की पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। काम की जगह पर बिजनेस मालिक का रूम दक्षिण पश्चिम में हो, बैठते समय मुख उत्तर की ओर हो तो बहुत अच्छा रहता है। जहाँ बैठे उसके ठीक पीछे एक ठोस दीवार होनी चाहिए क्योंकि कांच की दीवार या खिड़की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑफिस का मेन दरवाजा नॉर्थ में होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में भी मेन दरवाजा होना ठीक नहीं माना जाता। मेन दरवाजे के सामने किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो, इससे काम पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उन्नति होती है। हनुमान जयंती के पावन दिन मुझे इतनी खुशी हुई आपसे इतनी सारी बातें करकर। अगर आपके और सवाल हैं, किसी खास फेस्टिवल पर आप जानना चाहते हैं तो मुझे पहले से अपने क्वेश्चंस भेजें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस अपनी बातचीत में इनकॉर्पोरेट करूं। तो आप अच्छे से त्यौहार मनाइएगा, आज हनुमान जी की कृपा लीजिएगा, मंदिर ज़रूर जाइएगा, ना जा पाएँ तो कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेट कीजिएगा। जो लोग इंटरनेशनली रहते हैं, जो डोमेस्टिकली रहते हैं, वो यहाँ पे आसपास रेड लाइट पर, ऑर्फनेज में, मंदिरों में, जहाँ पे भी हो सके डोनेट कीजिएगा। इफ़ यू कैन डू दैट विल बी वेरी वेरी वंडरफुल। अपना ख्याल रखिए। जय वीर हनुमान।